महासमुंद पुलिस को चार दिन में दो लाशें मिली। अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लिए लाशों ने लोगों को खौफ जता कर दिया है। क्या पुलिस केस का राजभाष कर पाएगी? देखिए यह सनसनी खेज वारदात। महासमुंद के पिथौरा थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नेशनल हाईवे 53 के मुरई धोवा नाले में लाश पड़ी होने की खबर मिली। इसके दो दिन पहले भी साकरा थाना इलाके के उतेखेल गांव में युवती की जली हुई लाश मिली थी, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। ऐसे में दूसरी लाश मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। मृतक की शिनाख्त सिरपुर के रामेश्वर ठाकुर के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश बरामद करने के बाद आसपास के थाने में गुमशुदा युवकों के परिजनों को सूचना दी। तब सामने आया कि शिवर्रा गांव के हरिराम ठाकुर ने अपने साले के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब हरिराम से लाश की शिनाख्त कराई गई, तब उसने मोबाइल फोन की बिना पर अपने साले रामेश्वर की लाश को पहचान लिया और अब पुलिस ने मौत की वजह तलाशने के लिए सुरागों की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया है। बॉडी के बारे में हमें भी जानकारी डायरेक्टर 12 के माध्यम से हमने हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आए। डेड बॉडी के पास में एक मोबाइल मिला जिससे रामेश्वर ठाकुर और आई थाना सिरपुर का निवासी पता चल रहा है। उनके परिवार वालों को बुलवा रहे हैं कि आने के बाद और आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि लाश काफ़ी कट चुकी है और पीएम रिपोर्ट से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। उनके परिवार वाले आ जाए डेड बॉडी के लिए भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तब मौके से शराब की बोतलें मिलना एक साथ कई सवालों को जन्म दे रहा है। वहीं परिजनों के बयान के मुताबिक रामेश्वर आखिरी बार घर से ये बोलकर निकला था कि पिथौरा में रथ यात्रा देखने जा रहा है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। अब पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रही इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता जांच अधिकारी को नहीं लग सकी है। हवालात के लिए महासमुंद से रमेश सिन्हा की रिपोर्ट। हवालात में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जुर्म की कुछ और नई वारदातों के साथ। तब तक के लिए आप रहें सतर्क और सावधान।